सो वेलकम टू शुक्ला एडी पॉइंट। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला एडी पॉइंट में। दोस्तों मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं और आज की वीडियो में हम सुनेंगे इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगे आपके प्रश्न दोस्तों, सेकंड पेपर जिसके अंतर्गत यूरोप के इतिहास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो उसी प्रश्नों पर चर्चा करने हैं। और इतिहास जो सब्जेक्ट होता है ये आपको एक जो है गहरी समझ देता है। अगर आप इतिहास को सही से समझ सकते हैं तो आप कोई सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि इतिहास कहीं ना कहीं पे हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सामाजिक जो विज्ञान है उनसे क्या करता है, रिलेट करता है। इसलिए इतिहास सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हमारे सामने निकल करके आता है। तो ये बात कर लेते हैं इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये ध्यान रखिएगा ये विश्व इतिहास से रिलेटेड प्रश्न होंगे। ठीक, सेकेंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर। पहला प्रश्न है दोस्तों कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है। तो पुनर्जागरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब पुनर्जागरण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है फिर से जागना या फिर पुनर्जन्म, या फिर समझ सकते हैं मान लिया एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस व्यक्ति का जन्म तो एक बार हो ही चुका है, उसके बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद में फिर से अगर जो है डॉक्टर वगैरह उनको बचा लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा क्या हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है या फिर मौत के मुँह से आप बाहर निकले हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो वही है पुनर्जन्म। तो इसी तरीके से क्या होता है, पुनर्जागरण होता है किसी समाज में, क्या हो पहले सभ्यता ऊँचे स्तर पर हो, फिर क्या हो बाद में वो सभ्यता क्या हो किसी कारण से क्या हो जाए, ध्वस्त हो जाए, उतना जो है सुचारू रूप से सही तरीके से ना चल सके, उसके बाद में फिर एक क्रांति आए उस समाज में, जिस क्रांति के माध्यम से क्या हो वो समाज फिर से एक नई दिशा की ओर प्रेरित हो, नई दिशा की ओर अग्रसर हो जाए। तो उसी काल को जो क्रांति आई है उसी समय काल को पुनर्जागरण काल बोला जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि पुनर्जागरण क्या है, तो फिर से जागरण या फिर पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुनर्जागरण जो हुआ था वो पूंजीवाद के कारण से हुआ था, क्योंकि पूंजीवाद का जब उदय हुआ था इसी कारण से पुनर्जागरण हुआ था। और कारण एक ये भी माना था कि सामंतवाद का पतन, तो सामंतवाद का जब पतन होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है जब पूंजीवाद आएगा सामंतवाद का पतन होगा। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पर करेक्ट हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, पूंजीवाद का उदय, जब पूंजीवाद का उदय होगा तो जाहिर सी बात है पुनर्जागरण काल की शुरुआत हो जाएगी, और सामंतवाद का पतन होगा, मान लिया सामंतवाद का पतन हो जाए और पूंजीवाद का उदय ना हो तब नहीं होगा पुनर्जागरण काल। लेकिन जब कोई व्यवस्था क्या हो ख़त्म हो जाए और उसके उपरांत नई व्यवस्था उसके स्थान पर आ जाती है तो पुनर्जागरण जो है आ जाता है किसी भी समाज में। तो ये दो फैक्टर, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, मैंने इसको यहाँ पे रखा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1300 ईस्वी में पुनर्जागरण की झलक निम्न में से किस देश में दिखाई पड़ी। तो इटली में जो है सबसे पहले दिखाई पड़ी है पुनर्जागरण। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मीग लंडे सर्पेटेज की प्रसिद्ध रचना है। तो इनकी डॉन फूजो, ये एक जो है विद्वान है, इनकी डॉन फूजो नामक एक रचना है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गैलीलियो का जन्म इटली में किस सन में हुआ था। तो दोस्तों वो सन है 1564 ईस्वी का, और गैलीलियो किस कारण से प्रसिद्ध है, तो इन्होंने दूरबीन का खोज किया था, और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो निवास स्थान इनका है इटली, तो इटली के ये नागरिक थे, निवासी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, नागरिक और निवासी में भी अंतर होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर के रह रहा है किसी दूसरे देश का है तो भारत का निवासी है। ठीक, या फिर आप यूपी में रहे तो यूपी के निवासी हैं आप, जो है यूपी के नागरिक नहीं है। किसी देश की नागरिकता होती है, किसी राज्य या प्रदेश की नागरिकता नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी देश का है, वो हमारे देश इंडिया में आकर रह रहा है, तो भारत का निवासी है, ना कि भारत का नागरिक। हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता भारत के हैं, तो हम क्या हैं, भारत के नागरिक हैं। ठीक, सिटीजन हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, गैलीलियो का अगला है, विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य एक अनिवार्यता है, ये कथन किसका है। तो डी मोनार्किया का एक कथन है दोस्तों। तो डी मोनार्किया का क्या कथन है, विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य का होना एक बहुत आवश्यक है। ठीक, साम्राज्य मतलब एक राज्य होता है, एक साम्राज्य होता है, तो चार छः राज्य, पांच राज्य मिलाकर के एक साम्राज्य बनता है, और चार छः राज्यों पर क्या करता है वो साम्राज्य का जो मालिक होता है, जैसे साम्राज्य का कोई राजा हो गया तो वो राजा क्या करता है, तीनों चारों राज्यों से कर वसूल करता है। ठीक, तो ये बात है यहाँ पर। तो साम्राज्य जब होता है तो क्या होता है, विश्व कल्याण होता है, मतलब जो सभी राजाओं का कल्याण होता है, क्योंकि इकट्ठा जो है कर इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में उससे कोई भी कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी, यह ग्रंथ किस विद्वान का है। तो कॉपरनिकस का है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो यूरोप में पुनर्जागरण काल जो प्रारंभ हुआ है वो इटली से स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द प्रिंस का लेखक कौन था। द
दी प्रिंस का लेखक कौन था? मैकियावेली। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि टॉमस मोर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यूटोपिया लिखी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉमस मोर की पुस्तक कौन सी है? अगर कहीं पर थॉमस मोर लिखा रहता है तो ध्यान रखिएगा, वही थॉमस मोर ठीक। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? यूटोपिया। अगला प्रश्न है द डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? दांते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा भी जा चुका है। मोनालिसा चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? दोस्तों माइकल एंजेलो था, ध्यान रखिएगा माइकल एंजेलो। और इन्हीं माइकल एंजेलो ने ही लास्ट जजमेंट मतलब अंतिम निर्णय नामक चित्र इन्होंने बनाया था। अगला प्रश्न दोस्तों यूटोपिया का रचयिता कौन था? तो दोस्तों थॉमस मोर ही था यूटोपिया का रचयिता, थॉमस मोर या थॉमस मोर ठीक। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नीचे यहाँ पे दिया है लास्ट जजमेंट अंतिम निर्णय नामक चित्र का निर्माता कौन था, मतलब ये चित्र कौन बना था लास्ट जजमेंट अंतिम निर्णय, तो ये भी माइकल एंजेलो का है, हमने भी बताया था। तो माइकल एंजेलो इसके लेखक है ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इसके इसी तरीके से ये प्रश्नोत्तर भाग एक है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्नोत्तर भाग एक है, भाग दो भी आएगा, भाग तीन आएगा, भाग चार आएगा, इस तरीके से भाग करके मैं इसको बताता रहूँगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आते रहेंगे, जितने भी जो है यूरोप के इतिहास से रिलेटेड प्रश्न होंगे, बीएससी सेकंड ईयर के रिलेटेड, और यहीं से ही जो है बड़े बड़े पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में भी जो है यहीं से प्रश्न उठा लेता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उनके लिए भी है जो इतिहास ले रखे होंगे, इतिहास का गहन अध्ययन करते होंगे, मतलब ऑप्शनल जिसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शनल में भी कहीं कहीं पे इसकी विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या प्रीलिम्स की परीक्षा होती है उसमें जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न जो है उस लेवल के हो सकते हैं, है नहीं हो सकते हैं आगे वाले आने वाले समय में, मतलब अभी तो मैं ये शुरुआती लेक्चर बता रहा था पुनर्जागरण। हालांकि पुनर्जागरण से प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस यूपीएससी वगैरह में और आरपीएससी में ठीक है, तो बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं, मतलब हर एक पीसीएस की परीक्षा में जो है पुनर्जागरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात ये नहीं कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उनमें प्रश्न लगातार क्या होते हैं, चेंज रहते हैं, हर साल उस पेपर के प्रश्न चेंज होते हैं ठीक। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।